हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जिंक रिच फूड सीरीज़ की ही लेग्यूम कटलेट बना रही हूँ। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने काबुली चना उबाल लिया है हल्का नमक देके, और राजमा भी मैंने उबाल लिया है। दोनों को अलग अलग उबाला है मैंने फ्रेंड्स। और आधा कप मैंने राजमा लिया फ्रेंड्स, और आधा कप मैंने काबुली चने लिए हैं। दोनों को मैंने पीस लिया है मिक्सी जार में लेके। बहुत बारीक मैंने पेस्ट नहीं तैयार किया है फ्रेंड्स। दोनों को अलग अलग मैंने पेस्ट बना लिया है। जहाँ पानी की ज़रूरत हो आप थोड़ा सा पानी दे के दोनों का अलग अलग पेस्ट तैयार कर लें। इस तरह से देखिए, बहुत फाइन नहीं है। एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे हम लोग फ्रेंड्स। और 2 टेबल स्पून मैंने होममेड पनीर ली है, ये देखिए फ्रेंड्स। फाइन चॉप्ड 2 टेबल स्पून मैंने प्याज लिया है, और 2 ही टेबल स्पून मैंने फाइन चॉप्ड कैप्सिकम लिया है फ्रेंड्स। 1 टेबल स्पून मैंने ग्रेटेड गाजर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पत्ती लिया है फ्रेंड्स, 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, 2 टीस्पून मूंगफली का पाउडर लिया है फ्रेंड्स, थोड़ी सी हींग ली है मैंने, और ये लाल मिर्च पाउडर फ्रेंड्स बहुत थोड़ा सा है, और थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक है फ्रेंड्स आधी छोटी चम्मच के आसपास, धनिया पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी अजवाइन और चाट मसाला फ्रेंड्स, और थोड़ा सा मैंने लगभग 1 टेबल स्पून के आसपास लेमन जूस लिया है। आप अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट फ्रेंड्स। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और थोड़ा सा मैं रोस्टेड मूंगफली भी दे रही हूँ, अच्छा लगता है, क्रंच अच्छा आता है मुँह में। 2 टेबल स्पून के आसपास फ्रेंड्स, कम भी आप डाल सकते हैं। चावल का आटा फ्रेंड्स, चावल का आटा ऑप्शनल है, ब्रेड क्रम्स है तो आप चावल का आटा स्किप भी कर सकते हैं, और उसको कटलेट की शेप दे दें इस तरह से फ्रेंड्स। ये देखिए अच्छा शेप आता है, क्योंकि गीला नहीं है हमारा डो। और रोस्टेड सफ़ेद तिल और रोस्टेड अलसी के बीज, उसको उससे मैंने कोट किया है फ्रेंड्स। ये देखिए कटलेट्स को अच्छे से उसको कोट कर लेंगे फ्रेंड्स। आप चाहे तो सिर्फ सफ़ेद तिल से भी कर सकते हैं, सिर्फ अलसी के बीज से भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा हेल्दी बनाना था इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। पैन में 1 टेबल स्पून मैंने तेल गरम कर लिया फ्रेंड्स। फिर उसमें मैंने सारे कटलेट्स डाल दिए हैं फ्रेंड्स इस तरह से, देखिए। हम लोग शैलो फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्रंच आता है। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाना है तो शैलो फ्राई करें आप। तवे पे भी इसको सेक सकते हैं हम लोग, शाम में इवनिंग स्नैक्स वगैरह में भी हम लोग इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं फ्रेंड्स। गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, देखिए। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे फ्रेंड्स, इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।